मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जो बचपन से ही प्रभु के समान दुख भोगे, कष्ट उठाए, प्रभु के समान यातनाएं सहे। क्रिसमस में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 22 मार्च को संपूर्ण कलीसिया संत जोसेफा मरिया का पर्व मनाती है। संत जोसेफा मरिया का जन्म 7 सितंबर 1842 में विक्टोरिया में हुआ था। उनके जन्म के एक दिन बाद ही उनका बपतिस्मा हो गया था। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। 18 वर्ष की उम्र में उन्हें सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उन्होंने अपनी माँ को जिज्ञासा के रूप में कहा कि वे अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करना चाहती हैं। उनकी माँ ने सबसे पहले उनका विरोध किया, परंतु बाद में वे भी मान गई। बहुत ही छोटी सी उम्र से ही उनकी भक्ति पवित्र यूक्रिस्त में, प्रभु के पवित्र हृदय में एवं माता मरियम के प्रति अटूट थी। वे अपना जीवन एकांत में रहकर बिताना पसंद करती थी। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ मेरी नामक संस्था में जाकर शिक्षा प्राप्त करी, परंतु उन्हें स्वप्न में प्रभु ने दर्शन देकर कहा कि प्रभु ने कुछ और कार्य के लिए ही उन्हें चुना है। उन्हें इसलिए चुना कि वे गरीबों की सेवा करें, वे लोगों के पास जाएं और उनकी मदद करें, बीमारों के लिए वे सहारा बने। वे अपनी संस्था को छोड़कर गरीबों की सेवा के लिए, उनकी मदद करने के लिए अपनी तीन और धर्म बहनों के साथ निकल पड़ती है और उनकी सहायता करने के लिए वे नगर नगर जाकर गांव-गांव घूमती है और उनकी मदद करती है। हर तरह से वह लोगों में प्रभु यीशु का चेहरा देखती है। वे चाहती थी कि वे प्रभु के समान दुख भोगे, कष्ट उठाए, प्रभु के समान यातनाएं सहे, और प्रभु ने उन्हें यह सुअवसर प्रदान किया। उनकी बीमारी में उन्होंने प्रभु के समान यातना सहना स्वीकार किया और अपने प्राण प्रभु के लिए अर्पित किए। उनकी मृत्यु 20 मार्च 1912 को हुई। संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें संत घोषित किया। आइए क्रिसमस में प्रिय भाई और बहनों, हम इस संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हम भी गरीब लोगों के लिए, जो बीमार है उन लोगों के लिए अपना समय निकालें, अपना वक्त निकालें, ताकि हम उनके लिए सेवा का माध्यम बन सके, प्रभु के चेहरे को हम उनके अंदर देख सकें।